लाल बाग का राजा मुंबई में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पंडालों में से एक है। राजा की एक झलक पाने के लिए लोग कई घंटों तक कतार में खड़े रहते हैं और फिर वीआईपी आते हैं जिन्हें लाल बाग का राजा से मिलने के लिए आसानी से प्रवेश मिलता है, जबकि आम आदमी को लाल बाग का राजा के स्वयंसेवकों की सुरक्षा के कारण धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता है। हर साल ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और इस साल भी एक भक्त ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दिखाया गया है कि कैसे आम आदमी वीआईपी से भेदभाव करता है और स्वयंसेवकों से बुरा व्यवहार करता है। यूजर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, लालबाग में सामान्य लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, भगवान दर्शन माल भी इतना भेदभाव। कई लोगों ने अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए वीडियो के टिप्पणी अनुभाग का सहारा लिया। एक व्यक्ति ने टिप्पणी की, जो महिला इतनी बुरी तरह से धक्का दे रही है वह बदतर है, किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे गेट पर मौजूद स्वयंसेवक लोगों को बहुत छोटी सी जगह से पकड़कर अंदर जाने दे रहे हैं। वीडियो में हम एक युवा लड़की को भीड़ से निकलने के बाद सदमे में डूबे हुए भी देख सकते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। नेटिजन्स अधिकारियों के व्यवहार के लिए उनकी आलोचना कर रहे हैं और वीआईपी संस्कृति पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है, हर साल ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। फिर भी भक्त पूरी आस्था के साथ सबसे प्रतिष्ठित लाल बागचा राजा से आशीर्वाद लेने के लिए पंडालों में जाते हैं।